फ्रिज बुक हो गया हमारा, फ्रिज पहली हो गई थी। और संभावना ने इतना महंगा फ्रिज लिया, मैं आपको क्या बताऊं। नहीं ऐसा कोई महंगा है ही नहीं, मेरा मानना है यार पानी ही तो पीना है ठंडा। हाँ तो मटके का ले लो, मटका खरीद लेते हैं। ये उन लोगों में से है जिसको लुक मैटर ही नहीं करता। नहीं लुक हो क्यों ना हो, इसीलिए तो तुमने मुझसे शादी नहीं की थी, वो लुक मैटर ही नहीं करता। Hi friends, welcome back to my channel. आज actually हमने vlogging ऐसे start करी है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दबाजी में हैं। घर का काम चल रहा है, मेरा bedroom का काम चल रहा है, किचन का काम चल रहा है, किचन का सामान खरीदने जा रहे हैं हम लोग। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को साथ में लेके चलो, थोड़ा सा सजेशन भी मिल जाएगा ना कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। हमारे साथ इस समय पीछे आप देख सकते हो जो हमारी किचन का काम कर रहे हैं, इनका नाम जमाल है। ये बिंदु ने सजेशन दिया था कि इन्हीं से काम कराए। बिंदु के जो सारा घर का काम है और जो जितना भी सैलून का काम है वो इन्होंने किया है, और बिंदु का सजेशन था कि इन्हीं से काम कराया जाए। हाय कर दो। हेलो। तो जमाल फटाफट हो जाएगा ना काम, मैं इनका फाइनल जब आउटकम क्या आता है वो भी आपको दिखाऊंगी। इस समय किचन का क्या हाल है वो भी आपको दिखा देती हूँ। सीधा आप आपको मिलते हैं, पहले तो वॉश बेसिन करने जा रहे हैं हम लोग, बेसिकली जो किचन के लिए जो वॉश बेसिन चाहिए आपको, हॉब चिमनी सब दिखा देते हैं। मिलती हूँ आपको सीधा वहीं पे अभी। जमाल अच्छा बनाओगे ना घर? बहुत अच्छा। तुम्हारे पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लोगों को बताने वाली हूँ। जब एक बार फाइनल हो जाएगा ना घर तो मैं जमाल का नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि जमाल को खूब काम मिले। मुझे मालूम पड़ रहा है कि जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, जिस जिसके पास जा रही हूँ, जो जो जगह दिखा रही हूँ वहाँ पे लोग बहुत पहुंच रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि जमाल को भी इसके बाद बहुत काम मिले। पहले मेरे घर का काम अच्छा कर दे। जमाल लाखों लोग देख रहे हैं इसको। नहीं नहीं लाखों नहीं, वैसे भी जमाल अच्छा ही काम करेगा क्योंकि जमाल का काम मैंने ऑलरेडी देखा है बिंदु के घर पे। जा कहाँ रहे हैं? वॉश बेसिन लेने लक्ष्मी इंडस्ट्रियल स्ट्रीट। तो वहाँ कोई पर्टिकुलर दुकान है या ढूंढना है? ढूंढना है सर। हाँ अच्छा, खाना बदोशी करनी पड़ेगी। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सी दुकान पे हमें जाना है, बस ये पता कि हमको वॉश बेसिन लेना है किचन के लिए। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं वो गए हैं पूछने एक दुकान में कि है वॉश बेसिन या नहीं उस दुकान में। मुझे तो नहीं लग रहा ये हम हमें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हटेंगे नहीं, हम हटने वालों में से है ही नहीं। ये गाड़ी आगे कर लो, गाड़ी आगे कर लो। नहीं जमाल को बैठने का आ गया है या नहीं है? रेडी नहीं है। रेडी नहीं है, बैठ जाओ आ जाओ। अभी एक ही दुकान दिखिए, यहाँ पे जाके अंदर पता करें कि वॉश बेसिन मिलते हैं या नहीं। आ जाओ अभी। मिलेगा? हाँ आगे है इनका शॉप। मुझे ना सिंगल बेसिन चाहिए, लेकिन साथ में उसके आगे उसका वो हो, साइड में ट्रे चाहिए आपको। हाँ साइड में ट्रे चाहिए। तो ये कलर ऑप्शंस भी हैं, स्टील में भी हैं। क्या प्राइसेस क्या हैं? ये आपका इंडियन वो है या? मैम ऐसा जर्मन है एक्चुअली, इंजीनियर्ड इज जर्मन एंड मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन इंडिया। यहाँ पे आकर हॉब चिमनी माइक्रोवेव मुझे प्राइसिंग अगर यहाँ पे सही लगे तो मैं यहाँ से लूंगी। सो विद इन अ वीक डिलीवरी हो जाएगी ना? ठीक है, आप जो जो मैं आपको बोल रही हूँ उसके मेरे को आप फाइनली प्राइसिंग दे रहे हो। आप मैं इमीडिएटली आई कैन टेक अ कॉल। बिल्ट इन माइक्रोवेव मैंने देखे हैं, एक ये है एक आई लाइक दिस वन बेटर, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हें जो ठीक लग रहा फाइनली तो वही आएगा, बाकी किसकी चलती है। तो फाइनली जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये सेलेक्ट किया मैंने, हाउ इट लुक्स, ये किया है मैंने सेलेक्ट, दिस इज चिमनी। इसमें बड़ा वाला आएगा, लाइक यहाँ तक बड़ा वाला आएगा। ये ग्रिलर सेलेक्ट किया है, और ये ग्रिलर की खास बात ये है कि इसमें लावा स्टोन है, तो दिस विल गिव दैट भट्टी वाला इफेक्ट। तुम्हारा काम हो गया, यू ऑलवेज लाइक दैट ना, भट्टी वाला इफेक्ट चाहिए ना उसमें, इलेक्ट्रिक में मजा नहीं आता। और ये वाला फाइनल किया ना, दैट वन बिल्ट इन माइक्रोवेव। हम लोग वेट कर रहे हैं कि फाइनल प्राइसिंग मिल जाए, सो दैट यहाँ पे बुक करके और हम लोग आगे निकले। मैं कह रहा हूँ वॉश बेसिन सेम यूज करते हैं, वॉश बेसिन में कुछ अलग होना नहीं है। वॉश बेसिन क्या है, उसमें सितारे थोड़ी जड़े होंगे। तो अविनाश आ रहा है कि पुराना वाला ही वॉश बेसिन यूज करे, नया वाला नहीं ले। इसका तो मतलब बजट नाम किसके दिमाग में कोई चीज ही नहीं है, ये तो 1 लाख का वॉश बेसिन ही ले लेगा। ऐसा नहीं है, वॉश बेसिन में नहाना है, कैंडी को नहलाना है। लुक भी किसी को बोलते हैं लुक, क्या लुक? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो कॉफी पी ली है। अब यहाँ फाइनल करके फिर आई विल गिव यू कॉफी एज रिवॉर्ड। कॉफी पिलाओगे? एक शर्त पे, वॉश बेसिन पुराना वाला यूज करेंगे। वॉश बेसिन में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तो है नहीं कि वॉश बेसिन का कोई नया मॉडल आ गया है अभी, वो उससे बेटर है, उसमें ज्यादा टच स्क्रीन है या क्या है, देखते हैं सोचूंगी। नहीं आप सोच के बताओ तो आई विल गिव यू कॉफी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ये बहुत होता है कि मेरे कपड़ों में से धागे लटक रहे होते हैं। कोई भी कपड़ा पहनो आपके धागे लटकते हैं ना, मैं एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाऊंगी इनको बता के कि इनके कपड़ों में से धागे लटक रहे हैं।
मेरे भी ऐसे कपड़ों में से धागे लटकते रहते हैं और मुझे पता नहीं होता, लेकिन मैं इनको बता के छोड़ूंगी। आपके ना धागा लटक रहा है पीछे से, ये मेरे साथ बहुत होता है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये तोड़ दूँ? यस, इट इज नॉट लुकिंग गुड। ये रहा का धागा, फर्दर डिस्काउंट ये धागे की वजह से। आई टेक 1000 का डिस्काउंट। फाइनली आवर वर्क इज डन, हमारा हॉब चिमनी माइक्रोवेव ग्रिलर, सो विल मेक द पेमेंट। जो पहले वाले शॉप पे गए थे वहां पे पेमेंट करते हैं। वी आर डन। या थैंक यू सो मच, व्हाट्स योर गुड नेम? अरे ठीक सामने देखो, सागर आर्ट्स का ऑफिस है। और जब भी टीवी की बात हो और रामायण का नाम ना, ऐसा हो नहीं सकता। और सबसे बाहर रामायण का इन्होंने लगाया हुआ है, जिसे देख के हमारे मम्मी पापा बहुत एंजॉय करते थे, हम तो बच्चे थे। फाइनली एक बहुत बड़ा काम आज खत्म हो गया, हम लोगों का सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतरा है। फ्रिज बुक हो गया हमारा। फ्रिज पहले हो गया था और संभावना ने इतना महंगा फ्रिज लिया, मैं आपको क्या बताऊं। नहीं ऐसा कोई महंगा है ही नहीं। मेरा मानना है यार, पानी ही तो पीना है ठंडा। हाँ तो मटके का ले लो, मटका खरीद लेते हैं। नहीं मतलब फ्रिज लो, लेकिन वो भी फ्रिज वैसे ही ठंडा करेगा, ये भी ऐसे ठंडा करेगा। ये उन लोगों में से है जिसको लुक मैटर ही नहीं करता। नहीं लुक हो क्यों ना हो, इसीलिए तो तुमने मुझसे शादी नहीं की थी। वो लुक मैटर ही नहीं करता। नहीं नहीं, ये तो मैंने अपने ऊपर ही तीर ले लिया। नहीं नहीं, मेरे लिए क्वालिटी मैटर करती है, लुक नहीं। तुम्हारी क्वालिटी देखो ना, तुम कहाँ है, बहुत क्वालिटी है, तुम्हें नहीं पता। तुम हनुमान जी की तरह, तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलानी पड़ती है। हाँ। याद है हनुमान जी का? हाँ। उनको बताना पड़ता था, हनुमान जी आप तो महाबली हो, पूछ पे आग लगा के पूरा वो जला दिया था ना। वो क्या, ये फिल इन द ब्लैंक सवाल मेरे से मत पूछा करो। लंका लंका वो उसके पास गया था ना, तो उसने ये दे दिया था। अब सोचते रहो वो, ये धीरे धीरे अपनी आदत सुधार रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था। अब हाल ही में पता लगा कि मैं आधी अधूरी बातें करके सामने वाले पे छोड़ देती हूँ, उसको पता लग जाए। नहीं ये हालत सुधारने के लिए तुम कर क्या रही हो, तुम्हें कैसे पता है कि हालत सुधर रही है? बिकॉज़ आई कांट सी एनी इम्प्रूवमेंट। ठीक नहीं है, जैसे तुम पकड़ी जाती हो ना अपने जाल में, तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, तुम्हें ठीक नहीं लगता, तुम्हें मुहासे हो जाते हैं, तुम्हारे सर में खुजली होने लगती है। खुजलाने जरा सर बताओ ना, मैंने डॉक्टर को क्या बोला था? अच्छा अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, संभावना एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को रेस्क्यू कर रही थी, तो उसने पंजा मार दिया। इसकी वजह से हुआ था, इसकी वजह से मैं बिल्ली के बच्चे को रेस्क्यू करने गई थी। हर बात पे मैंने बिल्लियों का ठेका ले रखा है। मैं ऊपर काम कर रही हूँ, नीचे से आवाजें दे रहे, आओ बीबी बिल्ली है, आओ बेबी बिल्ली है। अरे मैं बीबी क्या करेगी बिल्ली का, बिल्ली का बच्चा भूखा तो मैं क्या करूँ, मैं भी भूखी बैठी थी, काट लिया बच्चे ने, रेबीज के इंजेक्शन ले रही हूँ। पहले टेटनेस लगा, टेटनेस लगा पीछे हिप पे, रेबीज लगा हाथ पे, लग गया। और उसके बाद फीवर आ गया, इंजेक्शन लगा, बुखार में पड़ी रही बेबी। आओ बेबी बिल्ली है, बिल्ली बेबी भूखी है, बिल्ली बेबी भूखी, बिल्ली पड़ी हुई है यहाँ पे साइड में, रेबीज के ठुकवा रही है। अच्छा मैं बात क्या कर रहा था इस बिल्ली वाली कहानी से, वो डॉक्टर के पास जब गए, फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला अच्छा आपको बुखार हो गया है, तो जहाँ इंजेक्शन लगाया है ये कैसा दर्द है, टाइट हो गया है, क्या हो रहा है? हाँ डॉक्टर हो भी गया है, नहीं भी है। अच्छा अच्छा बुखार हो रहा है, छूने पे कुछ पता चल रहा है? डॉक्टर चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा। फिर डॉक्टर पूछा अच्छा खुजली हो रही है? किसी डॉक्टर करती हूँ तो होती है। अरे बाप रे बाप, मैं पागलों की तरह हंस रहा था डॉक्टर के पास, मैं बेबी बुखार में पड़ी हुई है, ये हंस रहा था डॉक्टर की ना, ये सुनने के बाद दोनों आंखें ना बीच में आ गई। खुजली करती हूँ तो होती है, ये लड़की कहाँ से ढूंढ के लाए हो भाई? करोगे तो पता लगेगा ना कि हो रही है कि नहीं। शिट यार अभी अभी और दो बाकी है, नहीं तीन बाकी है बेबी, अभी तीन इंजेक्शन बाकी है, तीन लग गए हैं, तीन बाकी है, एक टेटनस, दो रेबीज। लेकिन ठीक है ना, आप पांच साल तक किसी भी बिल्ली कुत्ते को रेस्क्यू करोगी तो इंजेक्शन ही लगवाना पड़ेगा, करती रहो रेस्क्यू अब जिंदगी भर। चलो कॉफी शॉप पहुँच गए हम लोग, अंदर जा रहे हैं। ऑफ कोर्स पता है तुमने एक्सप्रेशन कैसे दिए पहुवी के, भरो मांग मेरी भरो करो प्यार मुझे करो, अंग से अंग लगा के ना 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 भरो। कॉफी के साथ मेरा रिश्ता ऐसा ही है। हम लोग गाड़ी में आ गए हैं और मैंने अपनी कॉफी का पैकेट खरीद लिया, कॉफी खत्म हो रही थी घर पे, तो फटाफट मैंने कॉफी भी ले लिया और अब हम लोग जाएंगे फटाफट घर, कि घर में बहुत सारे वर्कर्स हैं और काम हो रहा है, टाइम है नहीं हमारे पास। अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मेरे घर पे हो क्या रहा है, बहुत बुरी हालत है, तो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो घर का कचरा देखने के लिए। तब तक के लिए सी यू सून एंड लव यू ऑल, डू सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट और दोबारा से सब्सक्राइब, एक बार हो जाए उसको लोगों को बताओ कि और सब्सक्राइब करें प्लीज, मेहनत कर रही हूँ आप भी करो।